Okay, so in last video we are discussing logarithm now, and in last video we had have discussed about the basic properties of logarithm. इस वीडियो में बात करते हैं कि हम प्रॉपर्टीज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सो हाउ टू यूज दैट प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले प्रॉपर्टीज को जो लास्ट में हमने सीखा है उसकी कुछ प्रूफ भी कर लेते हैं. थोड़ा समझते हैं कि एक प्रॉपर्टीज हमने बेस चेंज फॉर्मूला बताया था, बेस चेंज फॉर्मूला. और वो फॉर्मूला अभी हमने बताया था कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी हो तो इसे आप चाहें तो लॉग ऑफ ए टू द बेस एक इंडिपेंडेंट बेस ई इनटू लॉग ऑफ ई टू द बेस बी लिख सकते हैं. ऐसा कि जो एक बार नीचे होगा वो एक बार ऊपर होगा, राइट? तो ऐसी स्थिति में हम इसे कैसे प्रूफ करें, इसको प्रूफ करते हैं पहले, और प्रूफ करके फिर सीखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है. log of e to the base b a, e to the base b को हम मान लेते हैं y, तो e equal to definition के हिसाब से क्या हो जाएगा, b to the power y, और log of a to the base e को मान लिया x, तो a equal to हो गया e to the power x, ठीक है? अब यहाँ पे e की वैल्यू रख देते हैं from first, तो क्या मिल जाएगा, b to the power y to the power x. ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एम क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, है ना? पावर मल्टीप्लाई हो जाता है. तो क्या लिख दूंगा, बी टू दी पावर एक्स वाई इज इक्वल टू ए, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू बी टू दी पावर क्या हो जाएगा बताओ, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ दिस टू दी बेस दिस पावर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी. चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं कि log of a to the base b is equal to x y, और x है क्या हमारा बताइए, x है log of e to the base b e to a to the base e, और b क्या है, y क्या है, log of e to the base b. तो ये प्रूफ हो गया, है ना? इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं. ये बेस चेंज फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ सकते हैं. दूसरा जो चीज था, हमने कहा था कि log of a to the base b को 1 upon log of b to the base a लिख सकते हैं, नहीं बेस चेंज कर सकते हो आप, रेसिप्रोकल हो गया एक दूसरे का. इसका अर्थ हुआ कि log of a to the base b into log of b to the base a is equal to 1 होगा, और ये बिल्कुल होगा. क्यों होगा, अभी हमने सीखा था अगर b इंडिपेंडेंट बेस है, अगर इसको गायब कर दें तो a टू द बेस a क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता. आप ये देखिए कि log a टू द बेस a 1 होता है. हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर इसका बेस चेंज कर दें log a टू द बेस b और फिर log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1, यानी log of a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log of b टू द बेस a हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ आ गया बात. इसको 1 लिख सकते हैं ऊपर वाली प्रॉपर्टीज के हिसाब से. यहाँ एक इंडिपेंडेंट बेस हमने b इंट्रोड्यूस कर दिया, b एक बार नीचे एक बार ऊपर, तो ये दो चीजों का प्रोडक्ट क्या हो गया, 1. तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना. अब जो आखिरी की प्रॉपर्टीज था कि log of a to the base b, ये बेस c to the base d, इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं c to the base d एक इंडिपेंडेंट बेस e, और यहां पे लिख सकते हैं क्या, log of a to the power b एक इंडिपेंडेंट बेस e, लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से. अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं, तो d इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो log of c to the base e रह गया, इधर भी b आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो log a to the base e रह गया, यानी d by b log of c to the base a आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट बेस a को गैप e को गैप करते हुए. इसलिए प्रॉपर्टीज में कहा था आपको कि ये दोनों पावर बाहर आके रैशनल फॉर्म में होंगे एंड log of c to the base a रह जाएगा, समझ आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टी जो आपने हमने पिछले क्लास में बताई है उसको आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है? एक प्रॉपर्टी और है जिसे समझिए, a टू द पावर log of a टू द बेस x इज इक्वल टू x होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसे याद रख सकते हैं कि
अगर बेस सेम हो यहां पे, दोनों जगह बेस सेम हो तो यही रह जाता है, कुछ और नहीं रहता। जैसे 2 टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू x होगा, 10 टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू x होगा, e टू द पावर लॉग ऑफ sin x टू द बेस e इज इक्वल टू sin x रह जाएगा, लाइक दिस। इस प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। कैसे होता है, चलो प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ में क्या है कि हमने इसको मान लिया कि e टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस a, x ना होके क्या है p होता है। चलो ऐसे मान लेते कि x नहीं होता है, क्या होता है p होता है। तो पावर इज इक्वल टू लॉग के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा बताओ, लॉग ऑफ राइट हैंड साइड टू द बेस e, लॉग ऑफ p टू द बेस e। अब दोनों में ये क्या है, यहां पे ये था ए था तो यहां पे ए आएगा, ठीक है, ए टू दी बेस, ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा, ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि ये सारा चीज एक्स के बराबर नहीं है, किसके बराबर है पी के। तो पावर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस टू दी बेस दिस। अब देखो दोनों चीजें सेम है तो क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू पी, यानी पी कोई अलग नहीं है बल्कि एक्स ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन द राइट हैंड साइड में आपको क्वेश्चन कुछ हमने लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसे मिटा दूं। ओके, आइए ये बेसिक क्वेश्चंस हैं लॉग को ऑपरेट करने के लिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी समझते हैं कि क्या है कैसे। पहला क्वेश्चन जो लिखा है log of 5 और यहाँ 5 root 5 को हम क्या लिखते हैं, 5 का पावर 3 by 2 लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया 5 का पावर 3 by 2 और यहाँ पावर क्या है 5 का 1। अभी जो प्रॉपर्टी बताया था कि ये दोनों चीजें बाहर आके क्या हो जाता है रैशनल फॉर्म में, यानी 1 upon 3 by 2 क्या हो जाएगा 2 by 3। तो बाहर आके हो गया 2 by 3 and log of 5 to the base 5 क्या होता है 1। तो आंसर क्या हो गया इसका 2 by 3 आंसर। यहाँ पे देखिए log of 3 और यहाँ पे है 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। 243 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 to the power 5, यानी log of 3 टू दी बेस 3 का पावर माइनस 5। ऊपर जाके पावर को क्या लिख सकते हैं माइनस 5। अब यहाँ पे बेस क्या है 1, log m टू दी पावर n के फॉर्म में है, क्या हो जाएगा माइनस 5 बाहर आ जाएगा एंड log 3 टू दी बेस 3, log 3 टू दी बेस 3 कितना होता है 1, इसलिए आंसर क्या हो गया माइनस 5 आंसर। इसी तरह से यहाँ पे देखिए log of 1 by 10, 0.1 का मतलब 1 by 10 और यहाँ है 10 का पावर 3, इसको लिख सकते हैं log 10 टू दी पावर माइनस 1 और 10 टू दी पावर 3, ठीक है, ये 10 टू दी पावर 3 बेस हो गया, 10 टू दी पावर माइनस 1, 1 by 10 को 10 का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस जो है ये पावर्स जो है कौन से फॉर्म में आएंगे रैशनल फॉर्म में, यानी माइनस 1 by 3 बाहर और log of 10 to the base 10 क्या 1, इसलिए आंसर क्या हो गया माइनस 1 by 9। अब इस प्रॉपर्टी को देखिए 3 to the power minus 1 by 2 log of 3 to the power 3 square है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 square। ये पावर जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा पावर में, चाहे 9 ही square है तो कोई टेंशन नहीं है, अभी बाद में कर लेंगे। तो ये उधर आके पावर लिख सकते हैं 9 का पावर माइनस 1 by 2, ये हो जाएगा 3 टू द पावर log of 3 9 का पावर माइनस 1 by 2, क्योंकि log m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है n log m। तो n log m अगर लिखा हुआ है तो उसको भी हम लिख सकते हैं log of a टू द पावर m के फॉर्म में, यानी -1/2। अब ये बेस सेम हो, बताया था ना अभी log of a to the power log of x to the base a is equal to x रह जाता है, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा 9 का
माइनस वन, आंसर हो गया 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहां पे देखिए 2 to the power log of 2 to the power 3/2, क्यों 2√2 को लिख सकते हैं, 2√2 का मतलब क्या 2 का पावर 3/2, और बच्चा क्या 15 का पावर क्या है 1। तो हम यहां पे ये बेस सेम है लेकिन ये चीज भी है साथ में, यहां पे बेस 2 है, यहां 2 का पावर 3/2 है, इसको 1 नहीं लिख सकते। तो इसलिए पहले उस प्रॉपर्टी को लगाना पड़ेगा, कौन सा प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ सी टू दी पावर डी टू दी बेस ए टू दी पावर बी। पावर्स क्या होते हैं, रैशनल फॉर्म में बाहर, इसलिए आप लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3/2 log of 15 to the base 2, देख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 2 to the power 2/3 log of 15 to the power 2, देख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 to the power log of 15 to the base 2, और ये पावर 2/3 इसको लिख सकते हैं। अब ये बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, गैर बच जाएगा क्या 15 to the power 2/3, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहां पे देखिए क्वेश्चन है, कैसे करोगे, ये लिखा है 16 0.16, और ये क्या है इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, क्या करते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का ए अपॉन 1 माइनस आर, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 0.16 टू द पावर log of 2.5 मतलब 5/2 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा a upon 1 minus r, क्योंकि a भी 1/3 है और r भी कितना है 1/3, तो इसलिए ये हो जाएगा 0.16 whole to the power log, और यहां 5/2, और ये हो गया 1/3 to the base 2/3, 1 minus 1/3 कितना होगा 2/3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो हो गया 1/2, यानी 0.16 log 5/2 टू द पावर 1, ये बेस में है और यहां पावर क्या है बताइए, क्या क्या बच गया 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, और ये क्या है 0.25 है, 2.5 है, 0.5 और 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, कोई है क्या आपके पास 0.5 और 0.25 को कैसे लिख सकते हैं, बताओ 16 को आप क्या लिख सकते हो 16/100 लिख सकते हैं, 16/100 राइट, क्या हो 16/100 लिख सकते हैं 0.16 को, और यहां पे क्या लिख सकते हैं जरा दिमाग लगाओ, ये है 0.5 और ये है 2.5, कैसे इसमें कोरिलेशन होगी 0.5 और 0.2.5 कैसा होगा, स्क्वायर इनटू 10, किसका स्क्वायर इनटू 10, 0.5 का स्क्वायर इनटू 10, 0.5 का स्क्वायर, अगर मैं उल्टा कर दूं बेस, इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखो, इसको 16 को 16/100 हमने लिख दिया, और इसको लिख दूं 1/log of 5/2 to the base 1/2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 16/100 और ये बेस है सारा, ये क्या है पावर में है सारा, तो 16/100 इनटू 1/log ऑफ क्या होगा 1/2 टू द बेस 1/2 log ऑफ 1/2 और ये बेस भी क्या हो गया 1/2 माइनस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 1/2, ये क्या हो गया 1 1 बेस